आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। रुकी की ढंडेरी ख्वाजगीपुर में 14 अप्रैल 2024 को 134वां जन्मोत्सव पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित कर बड़े धूमधाम से मनाया गया जन्मोत्सव। 14 अप्रैल 2024 को 134वां जन्मोत्सव पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित की गई। कमेटी के सदस्य पंकज ने बताया कि जो कि पूरे उत्तराखंड के अंदर ऐसी प्रतिमा नहीं है, यह प्रतिमा उत्तराखंड के अंदर पहली बार लगी है। वहीं दूसरी ओर कमेटी के अध्यक्ष अरविंद ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताया कि आजाद भारत के पहले कानून मंत्री बने। उन्होंने विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान 26 नवंबर 1949 में तैयार किया। उन्होंने बताया कि इसे तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। बाल विवाह प्रचलित होने के कारण अम्बेडकर का विवाह 1906 में 9 साल की रमाबाई से हुआ। इस समय भीमराव की उम्र 15 साल थी। पहली पत्नी रमाबाई की मृत्यु के बाद उन्होंने सविता से दूसरा विवाह किया। भीमराव अंबेडकर 9 भाषाओं को जानते थे। उन्होंने देश विदेश के कई विश्वविद्यालयों से पीएचडी की, कई मानक उपाधि प्राप्त की। बाबा साहेब के पास लगभग 32 डिग्रियां थी। 1951 में संसद में अपने हिंदू कोड बिल मसौदे पर रोके जाने के बाद उन्होंने मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दे दिया। इस मसौदे में उत्तराधिकारी विवाह और अर्थव्यवस्था को लेकर कानून में लैंगिक समानता की बात कही गई थी। 1956 में बाबा साहेब ने हिंदू धर्म को छोड़ बौद्ध धर्म अपना लिया। इसके साथ इनकी पत्नी सविता और लाखों दलितों ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनके आवास में हुई थी। वह मधुमेह से पीड़ित थे। मृत्यु के बाद भीमराव अंबेडकर को 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वहीं दूसरी ओर उन्होंने देश के युवाओं को नशे के खिलाफ संदेश दिया कि आज हमारा सारा युवा नशे की तरफ दौड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस नशे से दूर रहो और अपने और अपने भारत का नाम रोशन करो। और वहीं दूसरी ओर सभी ग्रामवासियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मोत्सव केक काटकर और ढोल नगाड़ों के साथ मनाया और प्रसाद वितरण किया। इस मौके पर उपस्थित रहे कमेटी के अध्यक्ष अरविंद, उपाध्यक्ष विनोद, सचिव ललित कुमार, कोषाध्यक्ष कुलदीप, संयोजक चंद्रपाल, सदस्य पंकज जी, मिंटू कुमार, ललित कुमार, रवि कुमार, सनी कुमार, सुमित कुमार, अंजू कुमार, अशोक कुमार, सोनी कुमार, मुकेश कुमार, तेजपाल, लाखन सिंह एडवोकेट, शीशपाल, मांगे राम, रवि कुमार, शैंकी कुमार आदि। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। छोटी से बड़ी खबरों के लिए जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।